फ्रेंड्स बात करेंगे यूपी पैट 2022 का, आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो आगे की बची हुई 4000 लेखपाल की वैकेंसी है वो कंप्लीट कराई जा सकती है। देखिए बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो इसका एग्जाम जो है 15-16 अक्टूबर में कंप्लीट करा लिया गया था, और रिजल्ट आने की संभावना जो लग रही है वो दिसंबर लास्ट जा रहा है, दिसंबर लास्ट में ये उम्मीद है, मतलब 99% चांसेस है कि आपका ये यूपी पैट का रिजल्ट आ जाएगा। जो हम लोग को कमीशन से भी पता चल पा रहा है कि लास्ट दिसंबर तक वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इसको निकाल दें, क्योंकि आज जो पैट 2021 है उसकी वैलिडिटी वो आप पता ही आप लोग को 8 जनवरी तक है, तो कोशिश वो उनकी यही है कि इससे पहले निकाल दिया जाए। जैसे ये निकल जाएगा तो हमारी जो वैकेंसी बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं 4000 लेखपाल की, वो भी अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि इसके रिजल्ट आने के बाद आप मान के चलिए कि फरवरी में आपको या जनवरी लास्ट या फरवरी में लेखपाल की वैकेंसी जरूर निकलेगी, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि योगी सरकार है वो अच्छे से कह पाएंगे देखो हमने 8000 पहले लेखपाल भर्ती करी और 4000 ये, क्योंकि ये इसको कंप्लीट कराने में पूरा लगभग 1 साल लग ही जाएगा, तो 2023 में एक अच्छे मोदी जी या योगी जी कह सकते हैं मंच से कि देखो हमने 12000 यूपी को लेखपाल दे दिए, तो ये जो है इसकी लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है कि पैट में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको देने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चुनावी भर्ती होगी तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही पैट का रिजल्ट अनाउंस होगा तुरंत ये भर्ती भी आ जाएगी, और भर्ती के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेंस का पेपर दिलवाया जाएगा लेखपाल का, जिससे वो एक चुनावी मुद्दा बने और खुश होकर वोट भी देते। तो जनरल को आप मान के चलिए कि अगर आपके 60 से 61 या 62 नंबर भी होंगे तो भी आपका पैड की मैं बता रहा हूँ 60-62 नंबर, क्योंकि पैड का पेपर थोड़ा सा टफ भी आया था तो नंबर खींचना आसान नहीं था, 60-62 नंबर भी अगर आपके बनना है तो आप मान के चलो तैयारी करते रहिए, 4000 लेखपाल का मेंस जरूर देने को मिलेगा। इसमें 15 गुना वगैरह मेरे ख्याल से नहीं देंगे, वो क्या करेंगे कि 85% से ऊपर लोग हैं, 80% से ऊपर लोग हैं, सबको बुला लेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी मान के चलिए 60 से 62 के बीच में रहने वाला है, और AWS की बात करें तो इसका 59 से 61 के बीच में, SC की बात करें तो 58 से 59 के आसपास, और ST की बात करें तो 56 नंबर के आसपास रह सकता है। तो ये कट ऑफ है, अगर आप इतने नंबर बनना है तो आपका भैया पैट भी क्वालिफाई हो जाएगा और 4000 लेखपाल के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो अब तक का ये अपडेट है, तैयारी को बेहतर करते रहिए, और आपके पैट में कितना स्कोर आ रहा है कब जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और